राजकुमार के नेतृत्व में हावड़ा के कोयला डिपो में आज कंबल वितरण किया गया। हमारे गुरु को गोविंद वैभव जी मैं एक माला देख करके सम्मानित करूंगा। अब हम लोग के बड़े भाई एक नंबर रिकॉर्डिंग में यही देखते देखते काम और बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे बड़े भाई सुमन पाल जी, हम लोग दीदी सायना जावेद जी कहती है कि नहीं, एक काम को करना है और उसी समय से इस कार्य में लग जाते हैं। हम लोग का प्रोग्राम देख के हम लोग के काउंसिलर दिनेश सिंह जी का कुर्सी तक लगा दिया है और फोन करके बोले कि मेरे कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं आप। सुनीता तिवारी को, प्रशांत तिवारी को, तारकेश्वर सिंह जी को, सबको आप तोड़ लिए। अरे हम तो मोहनी मंत्री जानते कि तोड़ लेंगे हम, तोड़ने का तो आपका जीती टूटने वाली है। जीती बहुत जल्दी अदिल चौधरी का पर पकड़ने वाली है, वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है। अपने दादा आप सुन के रखिए और मैं आग्रह करता हूं हम लोगों की बड़ी बहन सायना दीदी से कि अपना मैं राजकुमार भाई का शुक्रिया अदा करती हूं कि हर बार वो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमेशा जनता के बीच में रहने की कोशिश करते हैं और पर आप लोग भी उसी जज्बे के साथ यहां बैठी रहती है। तो मैं आप लोग का भी धन्यवाद देती हूं कि आप लोग यहां पर आते हैं, राजकुमार भाई का साथ देते हैं हर प्रोग्राम में, हर लड़ाई में। मैं बस आप लोग से इतना ही कहना चाहती हूं, आज जो पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल बना हुआ है जहां पर जात पात और धर्म की राजनीति खेली जा रही है, लेकिन यहां पर मैं बहुत सारे हिंदू बहनों को भी देख रही हूं, मेरे हिंदू भाई लोग भी हैं। एक बार सोच कर देखिएगा बीजेपी जो बात कहती है उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या आम लोगों के बारे में बोलती है? बीजेपी पार्टी क्या गरीबों के बारे में सोचती है? क्या किसानों के बारे में सोचती है? महिलाओं के बारे में सोचती है? जब आप लोगों को पता होगा जब लॉकडाउन हुआ तो हजारों संख्या में मजदूर जो बिहार यूपी में फंसे हुए थे, अचानक से बीजेपी ने कहा लॉकडाउन, मोदी जी रात में आए, भाषण दिए और लॉकडाउन लगा दिया, कहा तालाबंदी घर पे रहो। लेकिन एक बार भी क्या नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि जो हजारों के मर्द रहेंगे, ये सब तो उन्होंने नहीं सोचा, वो बस तालाबंदी कर दिए। तभी हमारे उस वर्ग में बीजेपी आई है, उन राज्यों से जाके पूछिए। इनफैक्ट आप गुजरात में देखिए, गुजरात में और लोगों का जो बिजनेस है वो दिन पर दिन खराब हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे बंगाल में जो सपना दिखाया जा रहा है बीजेपी के नाम पर कि बीजेपी आएगी तो विकास होगा, आज तक तो हिंदुस्तान में बीजेपी के बाद विकास कभी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान
था वो उंगली में गिनना मुश्किल है, क्योंकि आज देश में जो कुछ भी है वो कांग्रेस का देन है। और मैं बीजेपी वालों को यही कहूंगी कि जो आप सवाल पूछ सकते हैं, जो नौजवान सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, वो सवाल पूछने का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आरटीआई के नाम में कि आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आज देश में अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको आतंकवादी बोला जाता है, आपको देशद्रोही बोला जाता है। तो ऐसे माहौल में आज हम लोग रह रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं।